तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप एक बेन 10 फैन है तो इस एलियन को तो आप पहचानते ही होंगे, जिसके आज हम ओरिजिन शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, जिस एलियन के आज हम ओरिजिन शुरू करने वाले हैं उसका नाम है स्टिंग फ्लाई। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी आज की वीडियो को भी शुरू करते हैं। तो जो स्टिंग फ्लाई है, हमें उसका डेब्यू बेन 10 क्लासिक में देखने को मिला था और बेन 10 क्लासिक में ही उसने काफ़ी ज़्यादा धूम मचा दी थी। अगर हम बात करें इसके स्पीशीज़ की तो वह लेपोडेप्टेरन, और अगर हम बात करते हैं इसके होमवर्ल्ड की तो इनके नाम ही इनका होमवर्ल्ड है लेपोडेप्टेरा। और जो इनके कुदरती शिकारी जिनके प्रेडेटर्स हैं यानी कि बिग लिज़र्ड जो हमें ओमनिवर सीरीज में देखने को मिले थे, वो भी हमें लेपोडेप्टेरा पे ही मिलते हैं और वहाँ पे इनकी आपस में लड़ाई चलती रहती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं लेपोडेप्टेरा यानी स्टिंग फ्लाई की एबिलिटीज़ की तरफ। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा तेज़ फ्लाइट है, इसके पास एक एनहांस स्पीड है, बहुत तेज़ी से उड़ सकता है हवा में, और हवा में स्टिंग फ्लाई को हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। और तो और इसकी जो टेल है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो किसी भी मेटल को दो टुकड़ों में आराम से काट सकती है। और इसके पास एक स्पेशल लिक्विड और गैस है जो बहुत ज़्यादा स्मेली और पॉइजनस है। और अगर हम बात करें इसके प्लैनेट की तो वो प्लैनेट भी पूरे यूनिवर्स का सबसे स्टिंकी और स्मेली प्लैनेट है। ये तो बात हो गई इसकी पावर्स की, तो अब हम बात करते हैं इसकी वीकनेस की। तो जो स्टिंग फ्लाई है उसमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेसेस भी हैं। ये पानी में नहीं लड़ सकता अगर इसके पंख जो है वो गीले हो जाते हैं, तो ये उड़ भी नहीं सकता। और साथ ही साथ में जो स्टिंग फ्लाई है वो आग के सामने भी नहीं लड़ सकता, और जो है इसको बांधा भी बड़ी आसानी से जा सकता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्टिंग फ्लाई की पूरी ओरिजिन की तरफ। तो जो हमें स्टिंग फ्लाई है वो बेन 10 की क्लासिक सीरीज़ में देखने को मिला था, और वहीं पे हमें एक बेबी स्टिंग फ्लाई भी देखने को मिला था बेन 10 के एक एपिसोड में। और उसके बाद बेन 10,000 एपिसोड में हमें इसका एडल्ट लुक भी देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद इसको एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन सीरीज़ में स्किप कर दिया गया था। लेकिन हमें अल्टीमेट सीरीज़ में इसकी एक लुक ज़रूर देखने को मिली थी जब बेन 10 का इंट्रो होता है, वो लुक आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हमें जो बेन 10 का स्टिंग फ्लाई है वो सीधा ही हमें ओमनिवर सीरीज़ में देखने को मिला था, जहाँ पे उसने प्रीडेटर एंड प्रे एपिसोड में अपना डेब्यू दोबारा किया था, और उसमें उसकी लुक में काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिए गए, जो उसके पंख बहुत ज़्यादा ही बड़े थे इस बार। इसी तरह से जो है यहाँ पे स्टिंग फ्लाई उसके बाद हमें रीबूट सीरीज में देखने गया था, जहाँ पे इसके लुक का भाई साहब गंद मचा दिया गया था, छी लुक हो गई थी। फैंस को उस स्टिंग फ्लाई बिल्कुल भी 1% भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उसको बिल्कुल ही अजीब सा बना दिया गया था। कहाँ से उसका लिक्विड निकल रहा है, कैसा उसका लुक है। बेन 10 रीबूट सीरीज़ में स्टिंग फ्लाई के लुक को एकदम ही ख़राब कर दिया गया था। तो इसी कारण से रीबूट सीरीज़ ज़्यादा चली भी नहीं, क्योंकि उसमें एलियंस के लुक्स बहुत ही बेकार थे। तो यहाँ पे हमारी बेन 10 के स्टिंग फ्लाई की ओरिजिन ख़त्म होती है। ऐसी मोर एंटरटेनमेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल टेक्नोटेनमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Please do like, comment, subscribe and share.